My friend. Hi everyone, good evening and कैसे हैं आप सब लोग? I'm sure आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ. बस बच्चों के साथ मैं दिन जा रहे हैं वन बाय वन. एनीवेज मैं जा रही हूँ चीकू के नेल्स को फाइल करने. बहुत जल्दी जल्दी बच्चों के नेल्स बड़े हो जाते हैं और जब मसाज होती है, उपटन वगैरह लगता है बेबी को, तो फिर वो अजीब सा कचरा इकट्ठा हो जाता है नेल्स में, जिससे निकालना बहुत टफ होता है. तो मैं क्या करती हूँ कि सॉफ्ट फाइलर से ही नेल्स को फाइल कर देती हूँ, ट्रिम करती हूँ, और उसके साथ ही जो कचरा वगैरह नेल्स में होता है वो निकल जाता है. और फिर उसके बाद वॉश करके बेबी के नेल्स को और फिर उसका जो लोशन रहता है वो अप्लाई कर देती हूँ. वैसे तो मोस्टली मैं जब चिकू सो रही होती है तभी उसके नेल्स फाइल करती हूँ, लेकिन मूडी है ये, कभी भी इसका मन होता तो करवाएगी, नहीं तो सोते से भी अगर आप कर रहे हो ना इनको तो ये उठ जाती है हमारी मैडम. बहुत फनी है. नहीं है, हाँ, कुछ नहीं, सर का मालिश हुआ ना अभी. नहीं बेटा, बहुत मजा आता है. हेड लिफ्ट करो, ऐसे ऐसे करके हेड लिफ्ट कर कर करो करो उठा. को 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 कोको पापा हवा 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 ये लो, दिस इज योर मिल्क, ले लो ना प्लीज, पी लो ना, पी लो. यही होता है, यही मम्मा के पास यही होता है, पता है यही होता है. लो लो लो, हाँ ले लो, पकड़ लो. चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये गरम गरम है. पिछले कुछ दिनों से चीकू की बदमाशी बहुत शुरू हो गई है और मैं उसे दिन में एक बार ब्रेस्ट मिल्क देती थी बॉटल के थ्रू, जिससे कि फ्यूचर में सेफ साइड अगर मुझे उसे बॉटल देना पड़े तो मैं दे सकूं और वो बॉटल फीड ले ले. लेकिन अब वो बहुत बदमाशी करने लग गई, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती. हमने 2-3 डिफरेंट बॉटल ट्राई किया, फिलिप 7 का भी ट्राई किया, बिकॉज ये अनिका ले लेती थी, लेकिन चीकू बिल्कुल नहीं ले रही है. चीकू का फर्स्ट मंथ और मैं उसे इसी तरीके से हाथ पे लेके नहलाती थी. और कभी कभी जब इस वॉशरूम में मैं रहती हूँ ना, ये थोड़ा सा छोटा है तो इसमें बैथर वगैरह आ नहीं पाता, टब नहीं आ पाता अच्छे से, तो यहाँ पर मैं चीकू को हाथ पे ही लेके नहला देती हूँ. और फर्स्ट फ्यू डेज जो थे, यानी स्टार्टिंग के 10 डेज जो थे, उसमें हमने चीकू को सिर्फ स्पॉन्ज बाथ भी नहलाया नहीं था, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे दी थी. और अभी कभी बैथर यूज़ करती हूँ. वैसे तो डेली चीकू को हमारी जो मालिश वाली आंटी आती है ना चीकू के मसाज के लिए, वो ही नहलाती हैं इसे और रेडी करती हैं, तो मुझे नहलाना ही नहीं पड़ता है अभी फ़िलहाल. तो जब चीकू 5th मंथ में एंटर करेगी तब फिर मैं इसे सेल्फ नहलाना शुरू करूँगी और बैथर का या फिर टब का यूज़ करूँगी.
अब न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए स्पेशली टॉवल आती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाली बाथ टॉवल होती हैं और काफ़ी लाइट भी होती हैं, उससे आप परचेज़ करें। मैंने इस टॉवल को मीमी से परचेज़ किया है, टॉवल काफ़ी अच्छी, इसका परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। और इसका एक और कलर मैंने अभी ऑर्डर किया है, तो पूरी मेरे पास 3 टॉवल हो जाएंगी चीको की बाथ टॉवल्स, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी हैं और बहुत जेंटल रहती है। जब आप बेबी को वाइप करते हो, क्लीन करते हो, यानी कि जो पानी होता है बॉडी पे से सोक करते हो, बहुत ईजिली क्लीन कर देता है, रगड़ना नहीं पड़ता है। और बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट फैब्रिक ही आपको यूज़ करने चाहिए। एंड अगर आप चाहो तो मसलिन क्लॉथ की भी टॉवल आती हैं पतली पतली, उन्हें भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास स्वेडल क्लॉथ है, तो हमने अलग से मसलिन की टॉवल नहीं परचेज करी। अब डायपर चेंजिंग हो या फिर बेबी के बात के बाद में, जो बेबी का प्राइवेट पार्ट होता है, ये क्रॉच का एरिया दोनों लेग्स के बीच में, वो काफ़ी मॉइस्चर हो जाता है वहाँ पर और वेट भी काफ़ी रहता है, तो उसे आप टॉवल से रगड़ के मत पूछिए। बेटर होगा कि आप कोई सॉफ्ट जो क्लॉथ है या फिर जो कॉटन का जो फैब्रिक होता है ना, एकदम सॉफ्ट वाला, मसलिन वाला, नरम वाला, उसकी हैंकीज ले लीजिए, उससे क्लीन करिए। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ कि जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, फेशियल टिश्यूज, सॉफ्ट वाले, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उससे मैं ऐसे डैप डैप करके और वाइप कर देती हूँ, तो पूरा पानी सोक कर लेता है पेपर। तो जिस दिन आंटी नहीं आती हैं या फिर संडे वाला दिन होता है, उस दिन मैं ही चीकू को नहलाती हूँ, मालिश करती हूँ उसकी, और लोशन वगैरह मैं ही, सब कुछ मैं ही करती हूँ। सो इस तरीके से ये जो रूटीन है मेरा चलता है, और यही सारी चीज़ें आंटी भी करती हूँ, थोड़ा और अच्छे से करती हैं। नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोना, बुकी आई, 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 स्माइल, बिग स्माइल, ए बिग स्माइल, ना चीकू के पापा गए थे बाहर और कल ही वो लौट करके आए हैं, और इसके लिए लाए हैं डॉल, उसकी पहली डॉल आ चुकी है, डॉल की डॉल आई है सात समंदर पार से, और ये डॉल तो बोलती भी है, मम्मा मम्मा अगर इसके फेस के सामने हाथ लेके जाओ या फिर आप बैठो तो ये बोलती है, और जो इसके हाथ में टीथर है उसे मुँह पर लेकर के जाती है, तो बहुत ही क्यूट सी डॉल है। वैसे मैं घर में डॉल की कमी नहीं है, अनिका को भी डॉल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और अब चीकू भी आ गई और इसके लिए डॉल भी आ गई। ये देखो बहुत सारे कपड़े मैंने मंगवाए थे H&M से, सब यहाँ पे निकाल के रखे हैं, अनटैक करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और ये लेकर के आए हैं चीकू के लिए उसके पापा बाहर से स्टफ़, और अभी देखती हूँ, मैंने देखा भी नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये था कि पहली बार बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ लाना तो बनता ही है, तो बस क्या ने चीकू ये देखो, अभी मैं जा रही हूँ चीकू को ऑयल लगाने। सो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी नैपी यूज़ कर रही हूँ। तो एक तो मैं यूज़ करती हूँ ये जो ड्राई फील लंगोट है सुपर बॉटम की, ये मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
और इसके बाद में बेबी हक का ये मसलिन वाला क्लोथ नैपी है जो ट्रेडिशनल नैपी की तरह बनाते हैं, ये वाला यूज़ करती हूँ। इसमें भी दो तीन लेयर लगाई हुई है एंड इसमें तो अच्छी खासी लेयर है, बिल्कुल भी हैवी नहीं, एकदम लाइट है। पहनने के बाद में एक भी अच्छे से सोख कर लेता है, नीचे कुछ भी नहीं आता है। तो इसको आप सबसे बड़ी चीज़ है ना, बच्चों को कम्फर्टेबल फील होता है, तो लाइक दिस ऐसा। एंड ऑल्सो ये जो क्लोथ नैपीज हैं, लाइक एक ये वाला दिखाया मैंने आपको, एक ये वाला हो गया, और ऐसे कई सारे और भी कलर्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब क्योंकि चीकू बड़ी हो गई है, 2 महीने की हो गई है, तो अब इसका प्लस साइज भी लेंगे हम, यानी 3 to 6 month वाला जो साइज़ होता है वो लेंगे। ये तो ऑलरेडी हमने इसका बड़ा साइज़ लेके रखा था, ये देखो आप, ये बड़ा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है, तो दोनों ही साइज़ है हमारे पास, स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों ही साइज़ हैं हमारे पास में, तो ये तीनों ही हम यूज़ करते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, बच्चे को कंफर्ट फील होता है, सबसे बड़ी बात ये है, पी सोख कर लेती है, बच्चे को इरिटेशन फील नहीं होती है, बार बार आप चेंज करा सकते हो, जल्दी से सूख जाती है, तो मुझे तो सही लगती है ये, और आप ही यूज़ कर सकते हो। A lot of you were asking about this play gym जो हमने चीकू के लिए अभी परचेज किया कुछ टाइम पहले। मैंने इंस्टाग्राम पे इसका एक आई गेस रील शेयर करी थी या फिर कोई पोस्ट शेयर करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया और काफ़ी सारे लोगों को ये चाहिए भी था, तो इसे मैंने परचेज किया है अमेजोन से। और प्लम बनी ब्रांड इस पर शो हो रहा था, बट इसका जो बॉक्स रिसीव हुआ है मुझे उस पर टू मामा ये ब्रांड मेंशन है, तो मे भी हो सकता है कि बाहर का ब्रांड है और यहाँ इंडिया में इंपोर्टेड है, तो यहाँ पर दूसरे ब्रांड से मिल रहा होगा ऑब्वियसली। इसमें जो प्ले मैट यूज़ करी गई है वो फैब्रिक बेस है, बट नीचे साइड से वाटरप्रूफ है और सॉफ्ट है ऊपर का टेक्सचर, इसे आप वॉश भी कर सकते हैं और वाइप भी कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन बात यहाँ प्रमोशन की नहीं है, बात यहाँ पर क्वालिटी की है, प्रोडक्ट की है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद आया है और मेरी बेबी भी एंजॉय कर रही है जब से इसे यूज़ करना हमने स्टार्ट किया है। अभी भी परचेज किया और हम फ्रिक्वेंटली इसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैंने आपको बताया। इसमें लाइट एंड साउंड काफ़ी अच्छा सॉफ्ट साउंड है और लाइट भी काफ़ी सॉफ्ट है, चुभने वाली लाइट और साउंड नहीं है जो परेशान कर देते हैं बच्चों को, तो इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। समथिंग के डिस्काउंट के बाद मुझे 5000 अराउंड मिला है और इसमें ना रिमोट भी आता है और रिमोट के थ्रू भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर बटन दी हुई है मेन, उस पर बटन भी दी हुई है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये ब्लूटूथ से भी वर्क करता है, अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाईफाई के थ्रू ये वर्क करता है, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ऑल्सो इसमें हैंगिंग टॉयज भी लगे हुए हैं और ये इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ टॉय नहीं है, ये है टीथर, तो आप इसे वॉश करके बेबी को ऑफर भी कर सकते हो। बेबी थोड़ा बड़ा होता है, इसे पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सॉफ्ट सिलिकॉन की ये टॉयज है एंड आई जस्ट लव दिस। अब रात में देखो, अगर रात का टाइम है और आप बच्चे को चाहते हो कि इसे ऑफर करना, तो रात में तो और भी अच्छा लग रहा है ना। तो आपने पूछी थी बच्चे को काम कराने की ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज जो चीकू है हमारी वो काफ़ी हैप्पी ही रहती है, टचवुड हैप्पी रहनी चाहिए, बच्चे तो खुश अच्छे लगते हैं। सो एनीवेज, जब भी बच्चा आपका क्रैंकी हो या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब सा फील करे, तो उसको अपने पैरों पे ऐसे लिटा लो बिल्कुल स्ट्रेट और धीरे धीरे स्विम करना शुरू करो। उसके चेस्ट पे हाथ जरूर रखो, चेस्ट पे हाथ रखने से बेबी को बहुत ही ज़्यादा कोजी फील होता है और उसे लोनली नहीं लगता, ऐसा लगता है उसकी मम्मा उसके पास में, कोई ऐसा पर्सन है जो उसका ख्याल रख रहा है उसके पास में। बच्चे सब समझते हैं ना, कहने को बस बच्चे होते हैं। इसके बाद अपने लैप में बच्चे को ऐसे लिटा सकते हो और दोनों ही साइड का जो आपका लेग है उन दोनों की साइड से आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शेक करो, वेव करो अपने पैरों को, स्लाइटली स्विंग कर सकते हो, इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है। बच्चों को उल्टा भी लिटा सकते हो अपने थाइस पर, जैसे मैंने सीधा लटाया, आप उल्टा लिटा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। और उसके बाद ऐसा पोजीशन आपको बनाना है, ये एंगल बनाना है बेबी की बॉडी का, चेस्ट पे आपको पूरा अपना पाम रखना है और उसके नेक को सपोर्ट करते हुए पकड़ना है और दूसरा हाथ आपको उसके बम पे रखना है, यानी कि बैक पे रखना है, और बैक को धीरे धीरे से हल्का हल्का सा शेक करना है, मूव करना है। पोजीशन यही रखिएगा और बेबी को बहुत ही हल्के हाथ से आप पकड़िए और मूव कराइए, बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा, काम फील करेगा। और ये टेक्निक मुझे मेरी डॉक्टर ने बताई थी, मतलब डॉक्टर क्या, जो सिस्टर थी हमारी जिन्होंने मेरी डिलीवरी करवाई थी,
तो वो जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई थी बेबी को इमिडिएटली काम करने की। और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा स्विंग कर सकते हो, आप एरोप्लेन क्रिएट कर सकते हो, एरोप्लेन का जो फॉर्म होता है वो क्रिएट कर सकते हो बेबी को पकड़ करके। और देखना बेबी बहुत, मतलब कि उसे बहुत सुकून फील होगा। आप सब ट्राई करना, और जिस भी स्टाइल में आपका बेबी काम फील करे उसे बार बार करना, तो बेबी को वो पैटर्न समझ में आ जाएगा और बेबी फिर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो एक चीज़ और बहुत ध्यान देना कि जब भी आप बेबी को पकड़ो ना, केयरफुली पकड़ो, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ ध्यान रखना, और बेड पे ही ऐसे पकड़ना ना, फ्लोर पे बैठ के या फिर चेयर पे बैठ के बच्चे को ऐसे मत पकड़ना। और हाँ, जब भी बेबी इस तरह से क्रैंकी हो, इरिटेट हो, परेशान हो, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइए और आप इरिटेट मत होइए, क्योंकि आप जब डरेंगे, इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो बेबी ऑब्वियसली वो भी इरिटेट होगा और सब गड़बड़ हो जाएगी। Okay. We will go and have ice cream. Thank you. Mama, then you stop. Oh, so when it is not good? Okay. If weather is not good, then time I want ice cream too. I get 15 minutes cookies to eat. आइसक्रीम की बात मत करो दीदी मुझसे, आइसक्रीम की बात मत करो। इफ आई गेट आइसक्रीम आई वोंट ईट एनीथिंग, आई वोंट हैव मिल्क एंड आई विल ईट आइसक्रीम ओनली। कैन यू प्लीज गिव मी हर लिप बाम? आर यू हैप्पी? यस, फाइनली आइसक्रीम। इट्स नॉट गुड। ये देखो, ये ऊपर क्या, ये पैर मारो, इस पैर मारो, ऐसे पैर मारो। देखो कितनी प्यारी साउंड आई ना, आई ना, ये मेरा बेबी। आर यू एंजॉइंग और नॉट?